Lovely morning to all my dear children. Are you all keeping good, beta? Yes or no? Yes, good. So children, have you taken your breakfast? नाश्ता कर लिया बेटा आप लोगों ने? Yes. Okay, good. So children, what you have eaten? क्या खाया बेटा आप लोगों ने आज? What you have eaten? Yes, come on, tell me fast. Okay, well. So children, tell me one thing. Are you all studying daily? Yes. Are you all studying daily? Daily आप पढ़ाई कर रहे हैं? Yes or no? Yes. Yes, good. Daily आप लोगों को पढ़ाई करना है बेटा. And you have to do the homework regularly. Okay. अपना होमवर्क भी करना है, then you have to send to your teacher. फिर आपको अपने टीचर को सेंड करना है for the correction. करेंगे ना आप लोग? करेंगे? Yes. Very good. So children, at the last video, what we have learned beta? कौन बताएगा मुझे? लास्ट वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था, क्या सीखा था? कम ऑन, टेल मी फास्ट. यस, ओके, गुड. क्वेश्चन आंसर्स पढ़े थे अपन ने. किसके? पेट के. वेरी गुड बेटा. सो चिल्ड्रन, आप लोगों ने लर्न किया क्वेश्चन आंसर्स? यस सर, नो किया है? ओके, लर्न करना है बेटा. ओके, फिर आप लोग को लिखना भी है क्वेश्चन आंसर. ओके, लर्न करोगे ना? गुड. सो चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द टॉपिक ऑफ अबाउट माई सेल्फ. आई एम गोइंग टू टीच यू द टॉपिक ऑफ अबाउट माई सेल्फ. अपने बारे में मैं आपको आज बताऊंगी कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे? ओके, सो रेडी? ओके, सो चिल्ड्रन टेल मी, अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या बताएंगे? यस, गुड. क्या बताएंगे? माय नेम इज, जैसे आरुल जैन, फॉर एग्जांपल आरुल जैन, तो क्या बताएगा? माय नेम इज आरुल जैन. और जो गर्ल है वो क्या बताएगी? माय नेम इज अदिति शर्मा. ना बेटा, तो आप लोग को फुल सेंटेंस बताना है. ऐसा नहीं बोलना है जैसे मान लो किसी ने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो आप बोलोगे आरुल जैन. नो, आपको फुल सेंटेंस से बताना है ना? माय नेम इज आरुल जैन, माय नेम इज अदिति शर्मा, लाइक दिस. ओके बेटा, सपोज किसी ने पूछा आपको हाउ ओल्ड आर यू बेटा, तो आप क्या बोलोगे? आई एम 5 years old, आई एम 6 years old. मैं कितने साल, मैं 5 साल की हूं, मैं 5 साल का हूं, मैं 6 साल का हूं, मैं 6 साल की हूं, है ना? तो आपको क्या बताना है? आई एम 5 years old, आई एम 6 years old. ओके चिल्ड्रन, तो आज फिर अपन क्या पढ़ेंगे? अबाउट माय सेल्फ. ये गर्ल और ये कौन है? बॉय. तो ये गर्ल क्या बोल रही है? आई एम अ गर्ल.
गर्ल। और जो बॉय है वो अपने बारे में क्या बताएगा? आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। ओके सो चिल्ड्रन, कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? आई एम अ बॉय। तो जो बॉय है वो अपने बारे में क्या बताएगा? यस आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। और जो गर्ल है वो क्या बताएगी अपने बारे में? यस आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूं। ओके अंडरस्टूड? यस ओके। तो मान लो कोई गर्ल है, आप इसे गर्ल हो, तो आप क्या बताओगे अपने बारे में? यस आई एम अ गर्ल। अगर अगर कोई बॉय है तो वो क्या बताएगा अपने बारे में? यस आई एम अ बॉय, मैं जो है कौन हूं? एक लड़का हूं, है ना? सो आई ए एल एन अ जी आई आर एल गर्ल, आई एम अ गर्ल। इसके बाद क्या लगा बेटा? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाना यस वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जब अपन कुछ सेंटेंस लिखते हैं और अगर अपन ने फुल स्टॉप नहीं लगाया तो यानी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, फिर अपन इंतजार करेंगे कि हाँ इसके आगे कुछ और भी लिखना है, इसलिए तो फुल स्टॉप नहीं लगा। इसलिए फुल स्टॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब अपन पूरा सेंटेंस लिखने के बाद क्या लगाना है अपन को? फुल स्टॉप। ओके बेटा, देन बॉय क्या लिखेंगे? आई ए एन एम अ बी ओ आई बॉय। जो बॉय वो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे जो बॉय अपने बारे में? जो बॉयज है वो अपने बारे में क्या लिखेंगे बेटा? यस अपने बारे में बॉय लिखेंगे, गर्ल नहीं। गर्ल अपने बारे में गर्ल लिखेंगे, लेकिन जो बॉय है वो बॉय लिखेंगे। आई एम अ बॉय, देन क्या लगा बेटा? फुल स्टॉप। और फुल स्टॉप वेरी इंपॉर्टेंट, पता है ना? जब पूरा सेंटेंस खत्म होगा तो आप क्या लगाओगे? फुल स्टॉप। तो आपको ये समझ में आया बेटा कि जो बॉयज है वो लिखेंगे आई एम अ बॉय, और जो गर्ल्स है वो क्या लिखेंगे? आई एम अ गर्ल। गर्ल अपने बारे में क्या बता रही है? माय नेम इज अदिति शर्मा। तो अदिति शर्मा में जो ए है वो क्या रहेगा? कैपिटल। क्या रहेगा बेटा? कैपिटल। और जो सरनेम है उसमें क्या रहेगा? एस कैपिटल। अब आप लोग बोलोगे मिस आपने तो कहा था कि केवल फर्स्ट लेटर कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल। यस बट नाम और जो अपना सरनेम रहता है वो भी अपना कैपिटल रहेगा, चाहे कहीं भी। ओके फर्स्ट लेटर कैपिटल और जो भी नाम कहीं भी आएगा वो आपका कैपिटल। आप लोग आपका नाम लिखेंगे, आप लोग अपना नाम, माय नेम इज, जैसे माधव उनका नाम है अदिति शर्मा तो ये लिखेंगे अदिति शर्मा, इनका नाम है आरोजन तो यहाँ वो क्या लिखेंगे? आरोजन। और फर्स्ट लेटर कैपिटल, तो गर्ल क्या लिखेगी? अपना नाम जो ये अपना लिख रहे अदिति शर्मा और आरोजन। तो जो भी गर्ल्स हैं वो अपना अपना नाम लिखेंगे और जो बॉयज हैं वो अपना अपना नाम लिखेंगे। ओके देन आई ए एन एम फाइव Y E A R S years old, old. I am 5 years old. कितने साल के हैं? 5 साल के। मैं कितने साल की हूँ? 5 years old. मैं 5 साल की हूँ। क्या बताओगे आप लोग? I am 5 years old. क्या बताएंगे आप? I am 5 years old. Okay? मैं 5 साल की हूँ। मैं 5 साल का हूँ। ओके देन फुल स्टॉप। ओके देन आई एस सी यू डी वाई स्टडी, एस सी यू डी वाई स्टडी, आई स्टडी, आई एम इन के जी टू। आप अगर मान लो आप ए सेक्शन में है तो आप के जी टू ए लिखेंगे, बी सेक्शन में रहते हो तो के जी टू बी लिखेंगे, और सी सेक्शन में है तो के जी टू सी। ओके देन फुल स्टॉप। ओके बेटा देन आई एल आई डी लिव, आई एम इन डी ए एम ओ एच दमोह। कहाँ रहते हो आप लोग? दमोह।
खाली में दम, then full stop. अब दम जो आपने को आप बोलेंगे yes, यहाँ पर कैपिटल लेटर, yes कैपिटल लेटर रहेगा. जो भी सिटी है शहर है उनका क्या फर्स्ट लेटर कैसा रहेगा बेटा? कैपिटल. तो BAMOH दमोह, दमोह का फर्स्ट लेटर कैपिटल. तो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? आई एम अ गर्ल, ये गर्ल बोल रही है आई एम अ गर्ल, ये बॉय बोल रहा है आई एम अ बॉय. माय नेम इज, जो आपका नाम है वो आप लिखेंगे. आई एम 5 years old, आप कितने साल के वो आप लिखेंगे. आई स्टडी इन KG 2, ए में है तो ए, बी में है तो बी, सी में है तो सी. आई स्टडी इन KG 2 ए या बी या सी. ओके बेटा, देन आई लिव इन दमोह, आई लिव इन दमोह. कहाँ रहते हैं मैं? तो मैं कहाँ रहती हूँ? दमोह में रहती हूँ. सो अंडरस्टूड बेटा? ओके, वेरी गुड बेटा. सो चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर बेटा.